हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चूरमे के लड्डू। चूरमे के लड्डू गुड़ और शक्कर दोनों में बनते हैं। मैं इसको चीनी में बना रही हूँ। तो हम पहले ये 1 किलो आटा ले लिया मैंने, गेहूँ का आटा। अब मैं इसमें घी मिलाऊंगी, मोयन के लिए घी मिलाऊंगी। जब घी इतना लेंगे कि बस वो हाथ में बंध जाए। तो मैं घी डाल रही हूँ इसमें। इसको मिक्स करके देखेंगे, हाथ में बंध जाए जितना होना चाहिए घी। कम होगा तो हम और घी डालेंगे। ये हम घी मिला दिया मैंने। अब हम इसको हाथ में लेके देखेंगे, ये बंध रहा है, मतलब घी हमारे बराबर मोयन पड़ी है। तो अब हम इसको पानी से गूंथ लेंगे और इसका टाइट डो बनाएंगे। एकदम टाइट भी नहीं, रोटी से थोड़ा सा टाइट। ये मैंने इसको गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं कितना टाइट डो बनाया मैंने इसका। अब हम इसकी छोटी छोटी मुठियाँ बनाएंगे। ये ऐसे लेंगे डो को और इस तरह से अंगुली और हथेलियों के बीच दबाते हुए इसकी मुठियाँ बनाएंगे। ध्यान रखें आटा कैसे बिखर ना रहा हो, क्योंकि इसको हम घी में फ्राई करेंगे। अगर बिखर रहा होगा तो वो घी में बिखरने लग जाएगा। तो इसकी अच्छे से ऐसे मुठियाँ बना लें। ये अब हमने घी गर्म कर लिया है और सारी मुठियाँ बना के तैयार कर ली है। अब मैं ये मुठियाँ इस घी में फ्राई करूँगी। फ्लेम को लो रखें, लो टू मीडियम रखें। अब मैं ये सारी मुठियाँ इसमें डाल दूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। अभी मैं 4-5 ही डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई करें। ये आप देख सकते हैं मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। ऐसे हमें सारे निकाल लेने हैं और निकाल देने के बाद मैं इनको टुकड़ों में करके मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे। ये इस तरह मैंने इनको टुकड़ों में कर लिया है। अब हम इसको मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है और इनको ऐसी मोटी छलनी में, छलनी आप देख सकते हैं मोटे दाने की छलनी है, इस मोटी छलनी में हम इसको छान लेंगे। ये सारा हम इस तरह ग्राइंड करके छान लेंगे। ये मैंने सारा चूरमा बना लिया है। अब हम इसको 250 ग्राम लगभग घी में इसको वापस रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है, बस 2-3 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। ये अब हमने इसको रोस्ट कर लिया है, 2-3 मिनट तक ही रोस्ट करना था। अब मैं इसमें 100 ग्राम किसा हुआ नारियल डाल रही हूँ। ये मैंने रेडीमेड नारियल लिया है किसा हुआ, और हाफ टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये 100 ग्राम मिश्री है, ये डोरे वाली मिश्री थी, जो धागे वाली मिश्री आती है उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये मैं 100 ग्राम के करीब मिश्री इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो क्रिस्टल वाली मिश्री आती है वो भी डाल सकते हैं। और 600 ग्राम के करीब है ये चीनी, 600 ग्राम चीनी और 100 ग्राम मिश्री। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा लें। अब हम इनको मिक्स करके इनके लड्डू बनाएंगे। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ध्यान रखें ये हाथ लगे जितना गर्म होना चाहिए, वरना पूरा ठंडा होने के बाद इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ऐसे हम लड्डू बनाएंगे सारे। अब मैं सारे लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने सारे लड्डू तैयार करके रख लिए हैं। इस तरह ये हमारे सारे चूरमे के लड्डू तैयार हैं। ये गुड़ में भी बनते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको चीनी वाले बताए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें मुझे। थैंक यू।